अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे होंगे मैं जिन बनी हुई हूँ, डाइन बनी हुई हूँ। क्यों बनी हुई हूँ तो मैं बता दूँगी, मैं तैयार हो रही हूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे घर में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान आ रहे हैं। तो जो मेहमान आ रहे हैं उनसे तो आपको मिलवाते हैं। फिलहाल आप हमारे घर की तैयारियाँ देख लें कि तैयारियाँ इस वक्त क्या चल रही हैं। तो ये चेक करें भी, अभी यहाँ पर सफाई इन्होंने की थी और अभी यहाँ पर गंद भी हम लोगों ने डाल दिया तैयारियों के चक्कर में। तो बस अब जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने तैयार होना है, और उसके बाद जो है बाकी आपको बताती हूँ कि क्या सब चल रहा है। इधर बाहर को आते हैं तो इधर जो सफाइयाँ इधर भी चल रही हैं और अंदर भी चल रही हैं। तो जल्दी करो लड़कियों, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेहमान हमारे जो है वो पहुँच गए हैं। नहीं भी, मैं जो है ना तैयार हो चुकी हूँ और अभी जो है घर की तैयारियाँ भी तकरीबन कम्प्लीट है। अब बस मेहमानों का इंतजार है कि वो जल्दी से आ जाए। जो है चारपाई के नीचे घुसी हुई है और हम ऊपर चढ़े हुए हैं। बेचारी कह रही ऊपर ना कूदो। हमारी अलीजा भी तैयार हो चुकी है, इसका भी मेहमानों का इंतजार है। मेहमान ही हमारे इतने खास हैं, अभी सबको इंतजार है। क्या कर रहे हैं मेहमान, पहुंचने वाले, तैयार ही नहीं हो रहे सब लोग। मैं इंतजार कर रही हूँ, देख ले मैं तैयार हो भी गई हूँ। मैं हाँ भाजी, क्या कर रही हो, आपने लिपस्टिक भी नहीं लगाई, हल्की सी लिपस्टिक लगा लो प्लीज। चलो चलो, पता है कैसे तैयार हुई, क्योंकि हम सब आपकी तैयारी में लगे हुए थे। मैं काम भी तो स्वास्थ्य करवा रही थी आपके, क्या नहीं करवा रही थी। आपके स्पेशली मेहमान है, आपको पहले बनता है। बिल्कुल ये हो गई आप तैयार। ये फ्रूट जो है ना काटना है। राहत बतूल, तुम दोनों लोगों को फ्रूट को काट दो जल्दी जल्दी से। नहीं मम्मा, काट के रख रहे हैं, ठंड लगता वो फिर क्या काटते फिरेंगे। तो इसको ना धोकर काट दो जल्दी जल्दी से। तो फाइनली जी बस हमारे मेहमान जो है आ चुके हैं। मेहमान गाड़ी में तो नहीं बैठे, ये मेहमानों की गाड़ी है। मेहमान अंदर बैठ चुके हैं, तो मेहमानों से भी आपको मिलाती हूँ। जो मेहमान आए हैं कसम से दिल खुश हो जाएगा आपका उनको देखकर, जैसे कि हमारा दिल इस वक्त खुश हुआ पड़ा है। और ये चेक करें माशाल्लाह, ये उनकी कार है। यहाँ पे हम लोग खड़े थे, मैंने कहा चलो मैं व्यूअर्स को बताती हूँ। तो इधर अम्मी जी तैयार हो गई, मम्मा चाय वगैरह बना लें जल्दी से, बहुत टाइम कम है, जल्दी से करें। और राहत फ्रूट्स तैयार हो गए, बस जल्दी से फ्रूट्स जो है ना वो अंदर भेज दो और साथ में बोतल भी दो। हाँ जल्दी करो, बस टाइम बहुत कम है, जल्दी करो जी। तो भी बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, अब आपको मिलवाते हैं जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनका इंतज़ार हम इतनी बेसब्री से कर रहे थे। तो वो हमारे मेहमान जो है यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं जी। ये देखें जी, सर सलीम अल्फेला साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी। बस हमारा फ़न आपके लिए है, लोगों के लिए है। तो आप भी व्लॉग बनाती हैं, बड़ी अच्छी बात है, बनाया करो। आपका चैनल भी मेरा ख्याल काफ़ी अच्छा जा रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब चैनल जो है पहले से काफ़ी बेहतर जा रहा है, और मैं और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सब आपके बहुत बड़े फैंस हैं और आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ जो वीडियो बना के आई थी, मेरे व्यूवर्स को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज आप हमारे घर आए थे, तो मैं कैसे ये मौका मिस कर सकती थी। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है सर। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मतलब आप भी आर्टिस्ट हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं। तो बस मैं गुजर रहा था, तो मैंने कहा चले, आपने कहा था तो 5 मिनट निकाल लिए मैंने, तो आपको टाइम दे दिया। तो अब आपके व्यूवर भी देखेंगे, जो मुझे पसंद करते हैं वो भी देखेंगे। बिल्कुल जी, वो तो आपको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, बल्कि आपकी वजह से मुझे देखेंगे। मैं इतनी कोई ख़ास बंदी नहीं हूँ, आप हैं खास जिनको देखना चाहते हैं लोग। मुझे, मेरे हिसाब से मुझे इस वक्त कोई नहीं देखना चाहता। ये सब लोग जो है ना अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मतलब सबको देखना चाहिए, सब लोग अच्छे हैं, अल्लाह के बनाए जो भी बंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ऑस्ट्रेलिया का शो कैसा गया? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बहुत अच्छा हमारा, माशाल्लाह। देख रहे थे आपकी वीडियोस, बहुत अच्छी आ रही थी, लोगों ने बड़ी इज्जत दी, बस प्यार किया लोगों ने, ये अल्लाह की मेहरबानी। बेशक जी, अल्लाह पाक ने आपको बनाया ऐसा है कि हर कोई आपको जो है ना पसंद करता है। अभी आप हमारे घर पे आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी फैमिली आपसे मिलने के लिए कितनी ज़्यादा जो है ना ख्वाहिशमंद थी। अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर्स हैं ना, वो देखें अभी भी इधर आ रही है, वो कह रही थी कि मैंने जिया असर से सॉन्ग सुनना है लाइव बैठ कर, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आज साथ बैठो, पता चले फ़ैन का। तो आप इसकी छोटी सी फरमाइश पूरी करेंगे सर? आ रहे हैं, मैं तो आपसे है ना कब खत्म होगा। नहीं आप देखते हैं, पसंद करते हैं, मेहरबानी, थैंक यू। बस दुआ में याद रखते जी, दुआ में याद रखते हैं, माशाल्लाह आपको।
तो आप सॉन्ग सुनाएंगे आप? क्या सुना आपने बहन मुझे? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी मुझे वो फाड़ मंजरी बदलते थी गाड़ी का सॉन्ग सुना। लगाए लगाए इसको दो चार जुगते और लगाए सुना देता हूँ। तो आप घर के सारे काम करती हैं? जी अच्छी बात है, घर के काम करना चाहिए, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए घर में। जा रहा है लड़कियाँ बहनें जो होती हैं घर में चार दीवारी में, उनका सारा दिन यही काम होता है ना, खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, सफाई कर ली, कपड़े धो लिए, यही काम होता है। तो मैं आपको गाना सुना देता हूँ, ठीक है? जैसा भी है, जैसा भी है नहीं, बहुत अच्छा होता है। आप तो खाली बातें करते हैं, वो इतनी अच्छी लगती हैं, और जब आप सॉन्ग गाएंगे वो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, असल में तो हम कॉमेडियन है, लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, गाना भी एंटरटेन का एक हिस्सा है। बेशक जी।